वालेकुम। हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, लेक्चर नंबर 7 की तरफ। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 क्या है कि एटॉमिक मासेस एंड मॉलिकुलर मासेस क्या चीज़ें हैं। अच्छा, एटॉमिक मास क्या है थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक मास क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। आपको पता है एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें दो चीज़ें मेन होती हैं, एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। अब कुछ प्रोटॉन होते हैं और कुछ क्या होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद को अगर आप सम कर दो तो वो हमारे पास कहलाता है एटॉमिक मास। क्लियर हो गई? अच्छा, इसी तरह अगर आप एक पीरियोडिक टेबल, जो कि आप अपनी किताब अगर खोलेंगे तो कुछ पेज पहले ही शुरू में आपको दो पीरियोडिक टेबल नज़र आ जाएंगे। उसमें एक पीरियोडिक टेबल जो थोड़ा एक पेज के ऊपर लिखा है उसमें देखिएगा, उसमें बहुत सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं। उस एलिमेंट इस तरह लिखे हुए हैं, अच्छा जो एलिमेंट लिखा होगा उस पर दो नंबर लिखे होंगे, जो नंबर लिखे होंगे उसमें जो स्मॉल वैल्यू होगी ज़्यादातर वो हमारे पास होती है उसका एटॉमिक नंबर। क्या होता है वो? एटॉमिक नंबर। ये बात बता रहा हूँ, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर क्या है? सिर्फ प्रोटॉन की तादाद, सिर्फ इस प्रोटॉन की तादाद हमारे पास क्या है, वो एटॉमिक नंबर है। और अगर इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम जमा कर दें, सम कर दें, तो हमारे पास एटॉमिक मास होगा। तो आपके पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर भी दिया होगा, एटॉमिक मास भी दिया होगा। ठीक है, तो आपको जो एटॉमिक मासेस, जो एटॉमिक नंबर हैं, वो आपको आपके पीरियोडिक टेबल से मिल जाते हैं। कुछ जो मेन है वो आपको बता दिए जाएंगे, वो आप याद कर लीजिएगा, जो आपके सिलेबस के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे किसी लेक्चर में मैं आपको उसके बारे में उसकी लिस्ट बना दूंगा कि कौन से एटॉमिक मासेस, कौन से एटॉमिक नंबर आपने याद रखने हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, आपके पास आता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है? एटम का मास तो एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास होगा, लेकिन फिर भी द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उन तमाम के एटॉमिक मासेस को अगर आप सम कर देंगे तो वो आपके पास कहलाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। बात समझ में आ गई? मिसाल के तौर पर नीचे आपके एक मॉलिक्यूल मैंने लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम का एटॉमिक मास है 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। ठीक है, इन तीनों को अगर हम सम करें तो हमारे पास तकरीबन आंसर आ जाता है 40। तो हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है? 40 है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास के बारे में आपको पता लग गया कि जितने भी एटम्स हैं मॉलिक्यूल में अगर आप उसको सम कर दोगे तो वो मॉलिक्यूलर मास है। और अगर आपको एटॉमिक मास चाहिए तो आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो, हर किसी का एटॉमिक मास लिखा हुआ है। अच्छा, अगर और मॉलिक्यूल के हम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहें, मिसाल के तौर पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालने का अगर आप वैसे परेशान हो जाते होंगे, थोड़ा बहुत शुरू शुरू में इंसान घबरा जाता है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में, और मॉलिक्यूलर मास अगर गलत कैलकुलेट हो गया तो आप जब पूरा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे वो पूरा न्यूमेरिकल ही आपका सही तौर पर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको बड़ी एहतियात से कैलकुलेशन करनी है। अगर आप उसको सही से कैलकुलेट नहीं कर पाए तो आगे आप पूरे न्यूमेरिकल में परेशानी का सामना रख पाओगे। ठीक है, अच्छा अब कैल्शियम है, इसमें कितने कैल्शियम है? एक कैल्शियम है, इसमें एक कार्बन है, और कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक मास आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो कितना है? 40। कार्बन का आप देख सकते हो कितना है? 12। और ऑक्सीजन का आप देख सकते हो कितना है? 16 है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, 40, 12 तो ठीक है, अब इसके आगे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? 48 और 12 60, और 60 और 40 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना होगा? 100 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, इसी तरह अगर आपको कैलकुलेट करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि आगे हमने जाना है जिस कैलकुलेशन पे
वो सारी की सारी बेस्ड करेंगी तकरीबन हमारे पास मॉलिकुलर मासेस पे। अगर आप मॉलिकुलर मास, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप मॉलिकुलर मास सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते परेशानी का सामना होगा। मॉलिकुलर मास और मॉलिकुलर वेट की टर्म हम दोनों तकरीबन एक ही जैसी यूज़ करते हैं, एक सेम है। अच्छा, अब है कैल्शियम, ठीक है, कितने कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, ठीक है, ब्रैकेट आ गया, कितना लिखा हुआ है, टू, टू ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद है और हाइड्रोजन मौजूद है, इनको अलग अलग कर लेंगे। अब इसके बाद कैल्शियम का मास 42 ऐसे ही आ जाएगा इसका, ऑक्सीजन का मास आपको अभी बताया कितना है 16, ठीक है, 16 के बाद हाइड्रोजन का मास आपको बताया कितना है 1। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 17, 17 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 34, 40 और 34 कितना मास आ गया इसका 74 आ गया इसका मास, ठीक है। तो हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना भी सीखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास निकालना भी सीखा। तो आप यार इसमें आपको लाजमी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आप इसमें जल्दी बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपने इसमें जल्दी की तो आपको आगे पूरे न्यूमेरिकल में, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में ऐसा ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि ये इसका पार्ट है न्यूमेरिकल का। हर न्यूमेरिकल में जब आप आगे करोगे 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपको मॉलिकुलर मासेस की बेनतहा ज़रूरत पड़ेगी, कैलकुलेट आपने करना होगा। तो आप इतने एक्सपर्ट होना है आपको इसके अंदर कि आगे चल के आपको परेशानी का सामना ना हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने बड़ा ही बहुत ज़्यादा एनमार्क से इसको आपने देखना है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।